अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, पांचवी जमात उर्दू की किताब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबक नंबर 11, जादू की पिटारी। आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अहम अल्फाज, काली गटा, इंतज़ार, ज़रिया, शख्सियत, तजर्बा। ठीक है, अब हम इसकी पढ़ाई करेंगे। गर्मियों की छुट्टियां तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। हामिद, आयशा और साद बहुत पुरजोश थे क्योंकि मामू जान ने आज इन्हें शाही किले की सैर के लिए ले जाने का वादा किया था। मगर ये क्या, देखते ही देखते आसमान पर काली घटा छाई और बारिश होने लगी। बच्चे जो कई रोज़ से आज के दिन का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, अचानक बारिश को देखकर उदास हो गए। बच्चों को उदास बैठा देखकर मामू जान इनके पास आए और कहने लगे, बच्चों उदास क्यों होते हो, शाही किले की सैर फिर किसी दिन करेंगे। चलो आज घर के अंदर ही तफरी कर लेते हैं। ठीक है, घर के अंदर ही सैर कर लेते। फिर मामू जान सब बच्चों को अपने कमरे में ले गए, जहां मेज़ पर कंप्यूटर मौजूद था और कहने लगे, देखो बच्चों, हमारे पास तो जादू की पिटारी मौजूद है, आओ आज इसके ज़रिए से दुनिया घूमते हैं। सब बच्चों ने हैरत से एक दूसरे को देखा और हम आवाज़ होकर बोले, लेकिन ये तो कंप्यूटर है मामू जान, जादू की पिटारी किस तरह हो गया। मामू जान ने मुस्कुराते हुए कंप्यूटर ऑन किया और कहा, इंटरनेट जादू की पिटारी ही तो है, एक ऐसी पिटारी जिसका कोई भी मालिक नहीं, बल्कि हर शख्स इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। इसके खुलते ही आप दुनिया भर की सैर कर सकते हैं। ये ना सिर्फ दूर बैठे रिश्तेदारों को आपस में मिलाती है, बल्कि पैगाम रसानी का बेहतरीन ज़रिया भी है। इसकी मदद से हम अपना पैगाम चंद सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसी तरह हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होने वाले वाक़यात के बारे में जान सकते हैं। अपनी पसंद के किसी भी मकाम और शख्सियत के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। कोई भी टेलीविज़न चैनल देख सकते हैं और घर बैठे तालीम भी हासिल कर सकते हैं। तो हुई ना ये जादू की पिटारी। चले अब ये बताएं कि आप लोगों में से किस किस ने इस जादू की पिटारी से फ़ायदा हासिल किया है। हामिद, मैं इंटरनेट पर ऑनलाइन कुरान क्लास का हिस्सा हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि मेरे बहुत से दोस्त भी इंटरनेट के ज़रिए से कुरान और अहादीस पढ़ते हैं और सुनते हैं और अपनी पसंद की गेमें भी खेलते हैं। ये वाकई एक ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक आपने इसकी पढ़ाई करनी है और अहम अल्फाज आपने इमला के लिए लिखने हैं।